नमस्ते सदावत्सलित मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर ने 15 मार्च को जोधपुर में अपने अपाचे हेलीकॉप्टरों का अपना पहला स्क्वाडन भी तैयार किया है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना को यूनिट के पहले हेलीकॉप्टर की इस साल मई में अमेरिका से आने की उम्मीद है। दरअसल भारतीय सेना ने अमेरिका से करीबन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। और आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना 22 अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, खासकर बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर। अपनी उन्नत एवियोनिक्स, हथियार और निगरानी क्षमताओं के साथ अपाचे आधुनिक युद्ध सिनेरियो में एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अलग अलग वातावरणों में काम करने और सटीक हमलों और करीबी हवाई सपोर्ट और टैंक रोधी युद्ध सहित कई प्रकार के मिशनों को यह अंजाम दे सकता है, जो कि भारतीय सेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गन गैराज फैक्ट्री जबलपुर एविल ने भारतीय सेना के लिए धनुष 42 हविजर तोपों की 32 यूनिटों का उत्पादन किया है। इसमें सेना को धनुष 155 mm हविजर तोपों की दूसरी रेजिमेंट बनाने में मदद मिलेगी। कुल 114 यूनिटों का ऑर्डर दिया गया है और 2026 तक इन धनुष हविजर तोपों को भारतीय सेना को डिलीवर किया जाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि लार्सन एंड टूब्रो और नवंतिया ने प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना की 6 पनडुब्बियों के लिए भारत में S-80+ सबमरीन का उत्पादन करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सहयोग यानी कि ये कोलैबोरेशन तकनीकी कमर्शियल बिड में भाग लेने के लिए जुलाई 2023 के पिछले टीमिंग समझौते पर आधारित है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के AMC स्टेल्थ फाइटर जेट के इंटरनल यानी कि आंतरिक वेपन बे में स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल और DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन तैनात किए जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से AMCA के लिए मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि AMCA एक मॉड्यूलर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें कि इनबिल्ट स्पेस होगा, जिससे कि भविष्य में इसे अपग्रेड किया जा सकता है, वो भी काफी आसानी से, जिसके तहत इस फाइटर जेट में एवियोनिक्स और जो अन्य फीचर्स हैं वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं यानी कि जोड़े जा सकते हैं, वो भी बहुत कम यानी कि मिनिमम चेंजेस के साथ। गार्डन रिच शिप बिल्डर ने 5वां और 6ठा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना को डिलीवर किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और इथोपिया बहुत जल्द ही डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसमें कि भारतीय जो असिस्टेंस है वो इथोपिया को मिलेगी उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा भारत इथोपिया को क्रेडिट लाइन भी देगा, जिससे कि वो भारतीय हथियार भी खरीद सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस की वायुसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत वो अब अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स की जो ऑपरेशनल लाइफ है उसे बढ़ाएगी। और दोस्तों ये घोषणा तब आई है जब भारत और ग्रीस बात कर रहे हैं ग्रीस के सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर। और साथ ही दोस्तों ये खबर भारत के लिए काफी अच्छी इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों इससे भारत को लगातार फ्रांस की तरफ से इसके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई होती रहेगी। और भारतीय वायुसेना तीसरा सबसे बड़ा मिराज 2000 फ्लीट का ऑपरेटर है। फ्रांस का ये फैसला दोस्तों भारतीय वायुसेना पर जो प्रेशर है उसे कम करेगा और साथ ही जो इमीडिएट रिप्लेसमेंट है इन एयरक्राफ्ट्स की वो भी नहीं होगी और भारत आसानी से अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर काम कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स पहल के तहत जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक नई चुनौती पेश की है, जिसमें कि उन्हें एक एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय स्वार्म बनाना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के साथ होगा और ये भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा। बता दें कि ये जो ड्रोन्स का झुंड है यानी कि ये स्वार्म ड्रोन्स है वो हाई स्पीड वाले होने चाहिए और इनकी स्पीड मैक 0.9 के आसपास होनी चाहिए और साथ ही इनका जो मिनिमम ऑपरेशनल रेंज है वो 500 किलोमीटर तक होनी चाहिए। और ये ड्रोन्स चैफ और डिस्पेंसर और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड ले जाने में भी सक्षम होने चाहिए ताकि ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाहर निकालने और उन्हें भ्रमित करने में सक्षम हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 693 यानी कि 693 आर्मामेंट अपग्रेड्स किए जाएंगे BMP-2 को BMP-2M स्टैंडर्ड में बदलने के लिए। बता दें कि इस अपग्रेड में नाइट इनेबलमेंट, गनर मेन साइट, कमांडर पैनारमिक साइट और फायर कंट्रोल सिस्टम,
जो कि ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के साथ होगा। आपको बता दें कि आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड जो इसके उपकरण और सबसिस्टम्स हैं उनका आर्मामेंट अपग्रेड करेगी, जिन्हें कि स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से लिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन री शिप बिल्डर के चेयरमैन ने कहा है कि आइनस हिमगिरी भारतीय नौसेना को अगले साल यानी कि 2025 के मध्य में वितरित की जाएगी, जो कि पहला इन सीरीज ऑफ थ्री प्रोजेक्ट 17A एडवांस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट का है, जिन्हें कि जीआरएससी के द्वारा बनाया जा रहा है। और चार और ऐसे ही जो स्टेल्थ फ्रिगेट हैं उन्हें मझगांव डॉक लिमिटेड तैयार कर रहा है। बता दें कि जीआरएससी 36,000 करोड़ रुपए के प्रोग्राम में भी हिस्सा लेगा, जिसके तहत 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स को बनाया जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। बता दें कि ये जो कॉर्वेट्स हैं वो भारतीय नौसेना के फ्रिगेट से साइज यानी कि आकार में आधे होंगे, लेकिन इनमें पैरेलल फायरिंग क्षमता होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 847 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो के साथ किया है, जिसके तहत 14 कटिंग एज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर प्लस सिस्टम की आपूर्ति वो करेंगे, और ये सिस्टम बेल के द्वारा तैयार किए जाएंगे और इन्हें 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप में इंस्टॉल किया जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। इसके अलावा बेल ने 13 फरवरी 2024 को करीबन 1,092.65 करोड़ रुपए के मूल्य के अन्य ऑर्डर भी हासिल किए हैं, और इन ऑर्डरों में T-70 और T-90 टैंकों के लिए LRUs की सप्लाई, इसके अलावा भारतीय नौसेना के कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे स्पेयर और सर्विस इसमें शामिल है। अमेरिकी नौसेना के जहाज ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के साथ समुद्री अभ्यास किया। समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज आलमगिरी ने हेलीकॉप्टर से सवार होकर अमेरिकी नौसेना के जहाजों के साथ युद्ध अभ्यास किया है। देखिए दोस्तों, अमेरिका अपना गेम खेलना अच्छी तरीके से जानता है। उसे सब पता है कि किन दो देशों के बीच जहर घोलना है और किन दो देशों को आपस में मिलाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि यूएस की तरफ से आ रही है। दोस्तों, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कई स्थानों पर अपने विदेशी सैन्य अड्डे स्थापित करना चाहता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच जो विवादित सीमा का विवाद है उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि LAC पर छोटी छोटी झड़पें जो हो रही हैं वो गंभीर रूप ले सकती हैं और भारत और चाइना के बीच बड़ा युद्ध हो सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक आकलन में दोनों पक्षों द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और उनकी सैनिकों के बीच छोट-मोट मुठभेड़ के बीच भारत और चीन के बीच संभावित सशस्त्र युद्ध की चेतावनी दे दी गई है। कहा यह भी गया है कि सीमा विवाद पड़ोसियों के बीच संबंधों को लेकर तनाव बना रहेगा। यानी कि दोस्तों, अमेरिका की ये खुफिया रिपोर्ट ऐसे वक्त पर सामने आई है जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है भारत और चाइना के बीच। और आप देख रहे होंगे पिछले 3.5-4 सालों में कि डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं देखी गई है दोनों तरफ से, और असला बारूद हर तरीके के हथियार डिप्लॉय किए जा रहे हैं। हालांकि भारत और चाइना दोनों नहीं चाहते कि जंग की स्थिति बने, लेकिन छुटमुट जो झड़पें होती हैं वो बड़ा आकार ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अमेरिका का काम दो देशों को भड़काना भी है ताकि वो आपस में लड़ सके, क्योंकि दुनिया में देखा जा चुका है कि अभी तक जो भी संघर्ष हुए हैं वो तुरंत हुए हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर आप देख लो जो कि अभी तक चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध देख लो, इसके अलावा इसराइल और हमास की जंग आप देख लो, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना के बीच कोई विवाद और युद्ध नहीं हुआ, यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एशिया में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है चाइना। ऐसे में उसने कई एशियाई देशों का दौरा किया है और उसका मिलिट्री डेलीगेशन हमारे पड़ोसी मुल्कों में पहुंचा है, खासकर कि श्रीलंका, नेपाल और मालदीव में। कहा जा रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ रक्षा मुद्दों पर भविष्य में रक्षा सहयोग के लिए बातचीतें की गई है चाइना के द्वारा। और आप सब जानते हैं कि एशियाई द्वीप में चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत है, इसीलिए चाइना भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलिट्री डील्स करना चाहता है। और आप देख ही चुके हैं कि एक तरफ उसने हमें पाकिस्तान की तरफ से घेर रखा है, तो दूसरी तरफ उसने मालदीव की तरफ से घेर लिया है, तीसरी तरफ वो बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो समझने वाली हैं। और श्रीलंका में दोस्तों आर्मी बेस बनाना चाहता है चाइना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द ही 240 AL-31FP जेट इंजन के निर्माण के लिए ऑर्डर सुरक्षित करने की योजना बना रहा है, जिससे कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
इन इंजनों का इस्तेमाल आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के बेड़ों को पावर देने के लिए किया जाएगा, जो कि इस वक्त भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। और यह ऑर्डर एचएएल के द्वारा उन्नत MiG-29 यूपीजी लड़ाकू विमानों के लिए 80 RD-33 इंजनों का अनुबंध सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद आया। दरअसल AL-31FP इंजन 110 से अधिक सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट में मौजूदा इंजनों की जगह लेंगे, जो कि अपनी लाइफ के अंत में पहुंच चुके हैं, और इन पुराने इंजनों को बदला जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन जी ने कहा कि 2025 में मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की सफलता के बाद 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। पहले मॉड्यूल का वजन 8 टन का होगा, जिसे कि LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भविष्य में डॉकिंग के लिए मानव रहित रोबोटिक डॉकिंग की जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और ब्राजील आने वाले 2+2 डायलॉग में बड़े समझौते कर सकते हैं, जिसके तहत ब्राजील की जो पनडुब्बियां हैं उनकी मरम्मत और उनका रखरखाव भारत के द्वारा किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो सहयोग हो सकता है दोनों देशों के बीच, वो पनडुब्बी रखरखाव और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगा। आप सब जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि ब्राजील के पास स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास एक घरेलू पनडुब्बी प्रोग्राम भी है, और MOU भी इसी का आधार बनेगा, जिसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। और इस MOU के साइन होने के बाद आपको मैं बता दूं कि ब्राजील के स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की मरम्मत और रखरखाव से जुड़े जो खर्चे हैं वो कम हो सकते हैं। साथ ही इसमें उनके साथ जो नॉलेज है वो भी शेयर की जाएगी, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और ब्राजील की टीम भी भारत के साथ मिलकर काम करेगी। आपको बता दें कि ब्राजील वर्तमान में अपने परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी को विकसित कर रहा है, और इस क्षेत्र में भारत का जो अनुभव है वो उसके लिए काफ़ी अमूल्य होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।